हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे लौंग और कपूर कब जलाना चाहिए। लौंग और कपूर की उपाय करने का उल्टा असर भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम करना है तो लौंग और कपूर का उपाय बहुत संभाल कर करना चाहिए। इसके दुष्परिणाम भी आपके सामने आते हैं। आप बात मानिए या ना मानिए, लेकिन ये दुनिया शब्दों में व्यक्त किए गए संवेदनाओं के संप्रेषण से चल रहा है। ये बात थोड़ी उल्टी आपको लग सकती है, लेकिन बात सीधा सीधा यही है कि जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, उस शब्द का असर हमारे मन मिजाज पर पड़ता है और सामने वाले वातावरण पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए आप खुद ही सोचिए ना, जैसे कि हम ध्यान करते हैं किसी हरे मिर्च का, तो आपके मन में, दिल दिमाग में और पूरी तरह से ये बात आने लगता है कि बहुत कड़वी होगी और बहुत ही खराब लगेगा। ऐसा है या नहीं? इसी प्रकार से रसोई घर में रखे गए बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका नाम लेते ही मन में तरह तरह का विचार उभरने लगता है और कभी अच्छा अनुभव होता है, कभी कड़वा सा अनुभूति होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी कार्य के लिए अपने मन में कुछ बोलते हैं और कोई कार्य करते हैं तो उपाय करते हैं तो हमारे साथ और हमारे जीवन में वो लौट कर आता है। पूरी बात बताऊंगी और अपना अनुभव भी शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले कि आप बातों को पसंद करें फिर भी भूल जाए, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाकर लाते रहे। रसोई घर में रखे हुए नमक का इतना महत्व है कि वह यदि खाने में अधिक हो जाए तो स्वाद बिगाड़ दे और कम हो जाए तो खाना ही स्वादहीन हो जाए। दोस्तों, ये इतनी अधिक तीव्रता से वातावरण की आर्द्रता को सूखता है कि आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे। यह इतनी जल्दी पानी में घुलता है कि पूछिए मत। अब सोचिए कि जो नेगेटिविटी को हम ठंडी हवा के रूप में जानते हैं, क्या इस नमक से दूर नहीं होगा? दूसरी चीज़, हमारे घर में खाने में इस्तेमाल होता है लौंग, जिससे स्वाद बढ़ जाता है। उसके कई ऐसे गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बना देता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो स्वास्थ्य में लाभ की जगह हानि होना चालू हो जाएगा। इसकी अपनी एक खासियत होती है कि यह बहुत ही खुशबूदार होता है और यह खुशबू सनातन धर्म में माना जाता है कि सभी देवी देवताओं को पसंद है, खास करके हनुमान जी को। ऐसे में यदि इन दो चीज़ों का उपयोग करके हम अपनी समस्या का निदान करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से लौंग की खुशबू फैलती है उससे वातावरण का हर चीज़ प्रभावित होने लगता है। यदि आप ऊपरी बाधा से परेशान है, घर में कलह का वातावरण है, आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर रहती है, आपकी प्रतिष्ठा गिरती चली जा रही है, आपको लगता है किसी ने आपकी प्रगति को रोक रखा है, तो ऐसे में तो ये उपाय बताया जा रहा है उसको गौर से समझकर कीजिएगा। 10 से 15 दिन में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आप करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभ मिलकर ही रहेगा। आपको करना ये है कि एक चांदी का या स्टील का छोटा सा कटोरी लीजिए, उसको गंगा जल से धो लीजिए और कोई साफ कपड़े से पोंछ करके उसमें एक कपूर रख दीजिए। आजकल बाजार में गोल वाला कपूर मिलता है, लेकिन सबसे बढ़िया होगा भीमसेनी कपूर, जो कि बाज़ार में पैकेट में भी मिलता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छा रहता है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जलता भी अच्छे से है। तो उसका 1 रुपये के सिक्के के बराबर टुकड़ा ले लीजिए और सबसे पहले कटोरा में रखने के बाद प्रणाम कर दीजिए। फिर हाथ में 2 लौंग लीजिए, मुट्ठी में दबा करके जो आपकी समस्या है उसको मन ही मन बोल दीजिए। ये कार्य पूरब की ओर मुख करके करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे पश्चिम की ओर भी मुख करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप समस्या पूरी तरह बोल ले तो लौंग को इसी प्रकार से कपूर पर रखिए कि वह जलते वक्त पूरी तरह जल जाए। रखने के बाद आप सीधे माचिस की तिल्ली से प्रज्वलित कर दीजिए। कपूर को जलती अवस्था में पूरे घर में घुमा दीजिए, फिर एक जगह रख दीजिए। ऐसा आप डेली कीजिए।
तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि 10 से 15 दिन में आपकी समस्या का निदान निकल कर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10-15 दिन के बाद छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सामान्य ढंग से भी अपने समस्या को किसी को भी कहते हैं तो हमने कपूर को कह दिया, जो भगवान का साक्षी होता है, अग्नि प्रज्वलित कर दिया। ऐसा काम तो हम लोग दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करके किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं रहे हैं। परंतु इसको जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक अलग विश्वास जागेगा और ऐसा आपको लगेगा कि मैंने अपने मन की बात को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति को कह दिया है, इसलिए मुझे लाभ होकर ही रहेगा। यही आपको जीत की ओर ले जाएगा और आप निश्चित रूप से 10 से 15 दिन में समस्या से बाहर आ जाएंगे। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं, आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।